दिन स्टॉक्स रिविजिट करते हैं गाबा सर। BHEL अब यहाँ पर डे हाई पर ये स्टॉक, टारगेट्स इंटैक्ट हैं अभी भी? हमारा टारगेट सुबह का था 220 का, वो अचीव हो चुका, वहीं पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है 250 की तरफ जा रहा है। जो सेटअप है हायर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से लगता है अब तो शुरू हुआ है लास्ट वीक, और स्टॉप लगाना चाहिए थोड़ा 215 का, 5 रुपए का स्टॉप होना चाहिए। और नियर टर्म टारगेट 230, फिर 240, फिर फाइनली 250 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो आई थिंक BHEL अब भी रोबस्ट है। BHEL एक अच्छी तेजी में, अच्छा क्योंकि BHEL का जिक्र हुआ है। वैसे आप पूरे सरकारी कंपनियां देखें, जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। एक तरफ आपका IRFC जो बड़े से बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप को पीछे छोड़कर 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर आज पहुंचा, फिर इरकॉन, RVNL जैसे स्टॉक्स में वैसे भी तेजी थी। इस समय आप इंजीनियर्स इंडिया देखेंगे तो फ्रेश 52 वीक हाई लगा रहा है स्टॉक, 234 के लेवल पर आ चुका है, 5% का इजाफा, तो भरपूर एक्शन स्पेस में बना है। EIL पर नजर गई है क्या राजेश जी? अचानक इसमें फिर तेजी बनती हुई दिखाई दी, कुछ देर 1 घंटे पहले अटेम्प्ट किया था लेकिन अब 5% के गेंस पर है डे हाई पर। हर्षिता जी देखिए, चार्ट डेफिनेटली स्ट्रांग है और चार्ट इनफैक्ट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे ओवरबॉट होता है, उसके बाद थोड़ा हल्का होता है, फिर से मोमेंटम आता है। और इनफैक्ट अगर आज का चार्ट देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है 230 के ऊपर, एक्सक्यूज मी 235 करंट प्राइस है, बाय साइड का ही ट्रेड बनी है, स्विंग ट्रेड प्ले करे 228 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे का जो टारगेट होगा मेरे हिसाब से ये 245 से 250 को टेस्ट करेगा, काउंटर में स्ट्रेंथ है।